आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से नकदी मिलने का सिलसिला जारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घर व फैक्ट्री में छापेमारी जारी है। जीएसटी की विजिलेंस टीम पता लगाने में जुटी है कि कारोबारी के गुप्त खजाने में कितनी रकम का भंडार है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के इंटेलिजेंस टीम को कारोबारी के कन्नौज स्थित पैतृक आवास तहखाने में 250 किलो चांदी और 25 किलो की सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। साथ ही नोटों से भरे 8 से 9 बोरे भी मिले हैं, जिनमें 103 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। बता दें इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर आवास पर जीएसटी की विजिलेंस टीम को 185 पर करोड़ रुपए नकदी बरामद करने के बाद जांच टीम कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ला स्थित पीयूष जैन के पैतृक आवास पहुंची थी, जहां बीते दिन 3 दिन से जीएसटी विजिलेंस टीम इत्र कारोबारी के मकान के अलग अलग हिस्सों, दफ्तर व कारखाने में छानबीन करने में जुटी है। पीयूष जैन के 2 अन्य मकानों का ताला तोड़कर भी अफसर जांच पड़ताल की है। अब तक टीम कानपुर और कन्नौज से चांदी और सोने के खजाने के अलावा कुल 288 करोड़ बरामद कर चुकी है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जांच में जुटे हुए हैं 36 अफसर। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। ऐसे खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज।